हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं एक एकदम फास्ट तरीके से तैयार होने वाला एक फटाफट रेसिपी लेके आया हूँ, जिसका नाम है भजिया। जिसको मैं भजिया में केवल प्याज को उपयोग करके और मैं भजिया तैयार करूँगा। इसमें हमने बेसन और इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्का एकदम काली मिर्च का पाउडर लिया है, और धनिया और बेकिंग सोडा और नमक और जवाइन को ऐड कर लिया है। ये सबको मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अच्छे से एकदम मिक्स करके और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, ताकि हमारा जो भजिया है एकदम क्रिस्पी बने। उसके लिए मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और भी ले रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसमें भजिया जो बनाऊँगा आज, वो केवल प्याज और मिर्ची का। तो इससे क्या होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप देखिएगा कि मैं आगे प्रोसेस में जब तलूंगा इसको, फ्राई करूंगा, तो आप देखेंगे कितना अच्छा और कितना मतलब अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं, देखेंगे वीडियो में। तो मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कैसे आपको तैयार करके फिर उसको तलना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो इसमें मसाले डाले थे उसको अच्छे से आप पहले हाथों से एकदम अच्छे से सबको मिला लीजिए, और मिलाने के बाद अब इसमें पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा, और उसको एकदम मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मतलब मोटा भी नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग एकदम तैयार कर लीजिए और फिर आप भजिया तल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, और इससे क्या होगा, एक दूसरे में आसानी से सब एक दूसरे में चिपक जाएंगे इस तरह से। फिर थोड़ा सा ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से पानी आप ऐड कर लीजिए, और फिर उसको आप थोड़ा सा इसको मिक्स करिए ऐसे इस तरह से। फिर आपको पानी चाहिए थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, फिर इसको भी आप अच्छे से मिक्स करिए फ्रेंड्स। तो अब हमारा ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद इसको मैं तलूंगा फ्रेंड्स। तो भजिया तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल। अब ये हमारा देख सकते हैं, इसे चेक कर लीजिएगा, अगर ऊपर आपको स्टीम लगे, हीट मतलब लगे, तो समझिए कि मेरा तेल परफेक्ट रेडी हो चुका है भजिया के लिए। तो आप फिर उसमें जो भी प्याज का ऐड करके आप उसको फिर फ्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्याज को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसका फ्राई करूँगा, हमारा तेल बराबर प्रॉपर तरीके से हीट हो चुका है, तो आप देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में भजिया के लिए मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दूंगा इसको फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा पलटने के बाद इस तरह से बराबर पक चुका है मतलब दोनों तरफ से। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा अच्छे से। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना क्रिस्पी बना है, तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए इसे। तो फ्रेंड्स, हम अब मिर्ची के फ्राई कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्रेंड्स। तो आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव या होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा मिर्ची भी फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना एकदम क्रिस्पी बना है, ज़रूर आप ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये फाइनल रेडी हो चुका है, अब मैं इसको टमाटर सॉस के साथ इसको मैं खाऊँगा। अपने घर पे ट्राई करिए और बनाइए और खाइए, और अपने फैमिली के साथ खुशियाँ बांटिए।